दोस्तों मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2022 में लगातार छठी हार मिल चुकी है। ऐसे में लगातार हार के बाद कौन गुनहगार है और मुंबई इंडियंस को लगातार हार कैसे झेलनी पड़ रही है, ऐसे में आज के मैच में कौन है वो बड़े गुनहगार जो मुंबई इंडियंस को हार दिला गए, तो बताएंगे इस मैच का पूरा एनालिसिस। तो आप वीडियो देखते रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिए। दोस्तों हार का सबसे बड़ा कारण पहले तो रोहित शर्मा का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना, क्योंकि दिन का मेहता पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। उसके बाद में जब बल्लेबाजी करने आए लखनऊ के बल्लेबाज तो उनका विकेट निकालना काफ़ी मुश्किल हो गया, जैसे में खराब गेंदबाजी देखी गई और ये जॉनी सिंस की जगह रिली मेडेट को खिलाना चाहिए था, लेकिन लगातार इस टाइमल मिल्स को खिलाते गए। ऐसे में बुमराह की हार का सबसे बड़ा कारण रहा। वही बुमराह को जो है गेंदबाजी में थमाई गई लेकिन इन्हें विकेट नहीं मिले, और वहीं ओपनर्स का लगातार फेल बुमराह की हार का सबसे बड़ा कारण रहा। बीच में डेवाल्ड विरुद्ध ने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की, अगर इनकी तरह सभी बल्लेबाजी करते तो मुंबई से मुकाबला जीत सकती थी, लेकिन मुंबई के ओपनर फ्लॉप होना, खराब टीम सिलेक्शन, टाइमल मिल्स की जगह रिली मेडेट को खिलाना चाहिए था। उसके बाद में तिलक वर्मा और साथ में सूर्य कुमार यादव के बीच पार्टनरशिप भी जरूर हुई थी, लेकिन इनकी पार्टनरशिप टूटने के बाद एक विकेट गिरते रहे। बाद में फोलार्ड ने जरूर कुछ पावर हीटर शॉट लगाए लेकिन तब तक जो है काफी देर हो चुकी और मुंबई इंडियंस मुकाबला हार गई। ऐसे में हार का सबसे बड़ा कारण यही दिखाया कि टीम में जो है यहां पर बॉलिंग काफी खराब देखी गई, टीम सिलेक्शन काफी खराब देखा गया, शुरुआत में बॉलरों द्वारा विकेट भी नहीं लिए गए। ऐसे में मुंबई इंडियंस इस तरह से खेलता रहेगा तो हारता ही जाएगा। ऐसे में मुंबई इंडियंस को अगर जीतना है तो अपनी गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में सुधार करना होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, मुंबई इंडियंस प्लेऑफ तक पहुंच पाएगा नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।